हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में लेके आई हूँ आप लोगों के लिए पैटर्न जो मैंने बेबी स्वेटर में दिया हुआ है। ठीक है, अगर आपको ये बेबी स्वेटर बनानी है, इसकी वीडियोज़ आपको देखनी है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पे इसकी जो मैंने पूरा सेट बनाया है, इसकी सारी वीडियो अपलोड की हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, और अगर आपसे बनाना नहीं आता, आप नहीं बना पाते और आपको बनाने का मन कर रहा है, तो आप ऑर्डर भी दे सकते हैं। हम ऑर्डर देने के बाद बनाते भी हैं। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट करेंगे तो मैं अपना ईमेल आईडी आपको दे दूंगी, आप वहां से मुझे मेल कर सकते हैं मेरे ईमेल आईडी पे, और उसके बाद मैं पूरी डिटेल आपको बता दूंगी कि किस तरह से हम ऑर्डर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इसको। ये देखिए, कैप में भी मैंने इसी दे रखा है। तो बनाना शुरू करते हैं। दो रो तो मैंने ऐसी बॉर्डर के लिए ले लिया है और एक रो हम सीधा बना लेंगे। ये वाला पैटर्न हमेशा बैक साइड से ही आता है। ठीक है, ये वाली रो कंप्लीट कर लेते हैं। बैक रो में आ गए हम, बैक रो से ही ये स्टार्ट होगा और चार रो का ये पैटर्न है। तो पहला और दूसरा, ठीक है, तीन फंदे, क्योंकि मैंने फंदे ही इस तरह से दिए हुए हैं। चार भी दे सकते हैं आप किनारे पे, दो भी। तो देखिए, अभी थोड़ा बनाऊंगी तो पता चल जाएगा आपको। तीन फंदों के बाद हमको दो फंदे इस कलर के कर लेने हैं, एक दो तीन और ये चार। चार फंदे हमको वाइट कलर के करेंगे, एक दो, दो फंदे हमारे येलो कलर के आ गए, एक दो तीन चार, चार फंदे हो गए, एक दो। ठीक है, चार फंदे फिर वाइट से बनाएंगे, फिर हमारे दो फंदे आएंगे येलो से और तीन फंदे लास्ट के, ये देखिए। ठीक है, रिपीट कर लेंगे इसी को वापस, एक दो तीन, तीन हमारे लास्ट में हैं और येलो कलर के फंदे येलो से ही बनेंगे, व्हाइट कलर के फंदे व्हाइट से ही बनेंगे। ठीक है, ये देखिए, रो कंप्लीट कर लेते हैं। दो रो हमने इसी तरह से कंप्लीट कर लिए। अब आ गए हम बैक रो में। चार रो का पैटर्न है हमारा, दो रो तो दो कलर से बनेगी और दो रो सिर्फ एक कलर से ही बना लेंगे हम। ये कलर यहीं पे, आगे को नहीं ले जाना हमको इस कलर को दो रो में। जब हमारा येल्लो कलर का फंदा आएगा तो इसको क्या करना है, एक और दो। ठीक है, एक और दो। ठीक है, और जो व्हाइट कलर के हैं वो सिंपल बनेंगे, तीन चार। ठीक है, येलो कलर से एक दो, एक दो, व्हाइट से एक दो तीन चार, फिर येलो कलर से एक दो, एक दो। लपेट लेंगे फंदे को, धागे को दो बार। चार फंदे हमारे सिंपल आएंगे, सिर्फ हमको येलो कलर के ही लपेटने हैं। ठीक है, सारे नहीं लपेटने, देखिए ये हो गई हमारी थर्ड रो कंप्लीट। ठीक है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। अब आ गई हमारी फोर्थ रो, पैटर्न की लास्ट रो। सॉरी, एक ही बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे दो फंदे हैं। ठीक है, एक इस साइड जाएगा, एक उधर जाएगा, तो दो फंदों को हम निकाल लेंगे इस तरह से, और ये वाला फंदा जो हमने डबल लिया था इसको कर लेंगे इस तरह से, एक दो तीन बना लेंगे। ये हो गया। अब उधर वाला फंदा उधर जाएगा, इन दोनों के बीच में आएगा, तो इन दोनों को कैसे लेना है हमको, बैक साइड से ले लेना है दोनों फंदों को, ऐसे ले लिया, और इस फंदे को फ्रंट से आगे ले लेना है और इन तीनों फंदों को सीधा बना लेना है, एक दो और ये तीन। ठीक है,
अब वही हमारे दो फंदे आ गए, उनमें से एक फंदा हम ऐसे निकाल लेंगे और इन दो फंदों को पहले ले लेंगे और इसको बाद में लेंगे, एक दो और ये तीन, ठीक है। इसके बाद ये हमारा डबल फंदा है, लपेटा हुआ फंदा है, इसके दो नहीं है, एक ही है, लपेट रखा है। तो इससे बाद जो दो फंदे हैं वह पीछे से लेकर के इस तरह से बना लेंगे इनको भी सीधा, ठीक है। दो और रह गए हमारे, बार बार यही रिपीट हो रहा है, देखिए रिपीट करते जाएंगे हम। फंदे को ले लेंगे यहाँ, एक दो और ये तीन, ठीक है। ये इस तरह से एक दो तीन, तो रो हमारी इसी तरह से कंप्लीट होगी पूरी, और ये पैटर्न भी कंप्लीट हो गया है एक, और रो भी कंप्लीट हो गई हमारी, ठीक है। और जैसे कि मैंने बताया आपको, फर्स्ट में हमने तीन फंदे रखे थे, ठीक है, तीन फंदे रखे थे हमने फर्स्ट में। आप चाहें तो यहाँ पे चार भी रख सकते हैं, पांच भी रख सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं कि जरूरी नहीं कि यहाँ पे तीन फंदे ही फर्स्ट में वाइट कलर के रखे जाएंगे, ठीक है। अगर आपको यहाँ से सिलना होगा तो दो फंदे एक्स्ट्रा भी रख सकते हैं, चार भी कर सकते हैं, इनको एक भी कर सकते हैं। एक नहीं करेंगे क्योंकि दो फंदे तो हमें यहाँ जाने के लिए चाहिए, तो तीन से ज़्यादा ही करेंगे, चार भी कर सकते हैं, पांच भी कर सकते हैं। एक पैटर्न कंप्लीट हो गया, अब दूसरा पैटर्न कहाँ पे हमारा आएगा ये मैं बता देती हूँ आपको। एक दो तीन, पहला वाला तो हमारा तीन पे ही आ गया था ना। अब क्या करना है, एक यहां पे आएगा हमारा, एक फंदा यहां पे आएगा। देखिए मैं आपको समझा देती हूं, पहले ये जो येलो कलर में हमने डबल बनाए थे वो हमने यहां से यहां ले लिए, ठीक है। तो अब ये वाला येलो यहां से यहां चला गया तो यही येलो हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बीच में एक दो तीन चार रह जाएंगे, फिर इस येल्लो ने यहां दे दिया अपना फंदा और इस येल्लो ने यहां दे दिया, तो ये दो येल्लो हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला फंदा तो ऐसे ही लेंगे हम, जो दूसरा फंदा है वो हो जाएगा इस तरह से येल्लो कलर का, ठीक है। इसके बाद वही पैटर्न है हमारा, एक दो तीन चार, दो बना लेंगे येलो, एक दो तीन चार, फिर दो बना लेंगे, सॉरी दो बना लेंगे हम येलो कलर के। ये देखिए वही फंदे हैं जो खींच के लेके आए हम, ठीक है। एक दो तीन चार, एक एक दो तीन और ये चार, ये हमारा एक येलो और आ जाएगा यहाँ पे और कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए कभी भी कोई भी पैटर्न में हमारा लास्ट में, पहले पैटर्न में हमारा लास्ट में एक नहीं आया तो दूसरे में एक आ गया, एक जरूर आएगा जो कि आगे चल के अंदर को जाएगा। जैसे ये इधर वाला है, अगर यहाँ और फंदे होते तो ये वाला ये बन जाता, ये उधर जाता और ये वाला इधर आएगा, ठीक है। तो एक बार ये वाला फंदा इधर को खुलेगा, ये वाला फंदा इधर को जाएगा। तो ये देखिए इस साइड का फंदा है, ये पहला फंदा है, ये भी पहला फंदा है, ये दूसरा फंदा है। तो पहला ही फंदा हमने बनाया तो ये इस साइड आएगा, ये और ये मिल जाएंगे बीच में, तो ये भी कंप्लीट कर लेते हैं। पैटर्न की दूसरी रो तो आपको पता ही चल गई है, सेम बना लेना है, येल्लो वाला येल्लो बना लेना है, वाइट वाला वाइट, ठीक है। तो चलिए रो कंप्लीट कर लेते हैं। सेकेंड रो भी कंप्लीट हो गई हमारी, थर्ड रो आ गई है। जैसे कि हमने पहले पैटर्न में किया था वही हम करेंगे। अब हमारा दूसरा जो ये कलर है ये यहीं पे रुक जाएगा,
अब हम सिर्फ व्हाइट से ही बनाएंगे, एक और दो। येलो कलर के फंदे को दो बार लपेट के लेंगे ऐसे, ठीक है, एक दो तीन और ये चार, चार फंदे हमने ऐसे ही बना लिए। और जो येलो कलर का है उसको डबल कर लेंगे, एक दो, एक दो तीन चार, एक दो, एक बार लपेट लिया, दूसरी बार लपेट लिया, ठीक है, एक दो तीन चार, एक दो, एक दो, एक दो तीन चार, ठीक है। लास्ट वाला पैटर्न है, लास्ट फंदा येलो कलर का, ये देखिए दूसरा पैटर्न का हमारा तीसरी रो कंप्लीट हो गई है, चौथी रो मतलब लास्ट रो, ठीक है। दूसरे पैटर्न की लास्ट रो आएगी, क्या करेंगे, दो हैं, दो से उधर वाले ले लेंगे दो, और ये आ जाएगा इस साइड, क्योंकि एक ही है ये, ठीक है, एक दो और ये तीन, ठीक है। अब ये वाला आ जाएगा इस साइड, दो उठा लेंगे, ये हो गया एक दो, ये देखिए, ठीक है, एक दो, एक दो तीन, वही हम पैटर्न बार बार दोहराएंगे, कंप्लीट करके आते हैं वापस। ये देखिए रो कंप्लीट कर ली है, ठीक है। एक बार दो फंदे आएंगे तो दूसरी बार एक ही फंदा आएगा जो हमारा अंदर को आएगा, ठीक है। ये हमारा पैटर्न है जो हमने कैप में भी दे रखा है। तो ये देखिए पैटर्न, ये हमने ऊपर से बनाया है तो इस तरह से आया है ये, ठीक है। बहुत ही इजी पैटर्न है, आप इसको पूरे बेबी स्वेटर में भी ऐड कर सकते हैं, बहुत ही सुंदर लगता है और बहुत ही सिंपल भी है, ठीक है। तो कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा, अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन के साथ। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ मैं आपको नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।